शासन के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं दिया जा रहा। ग्राम सिहोरा में किसानों से चर्चा में ये पता चला कि गत 2015-16 में मार्च माह में लखना दोन विकास खंड के लगभग 64 ग्रामों में ओला वृष्टि हुई थी, जिसे शासन ने 60% का आकलन किया गया और शासन ने किसानों का ब्याज और नकदी माफ कर दी, लेकिन बीमा कंपनी ने किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया। सिहोरा के किसानों ने शासन को कई बार आवेदन किया और उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है, ना ही अब तक क्लेम मिला है। इस संबंध में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी सोगाट कराया गया है। कृषि जिला अधिकारी महोदय को भी, डीडीए को भी कई बार आवेदन दिया गया है, कई बार आवेदन करने पर भी अब तक कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया है। किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2015-16 में जो आपदा आई थी, ओलावृष्टि में आई थी, जिसमें 64 गांव, जिसमें ग्राम सेहोरा कठोरों के पास कर, उसमें ये लगाव जुड़ा हुआ था, कैश मिले लोगों को? नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभ से द्वारा प्रीमियम की राशि का सूचन किया जाता है और आज तक कोई राशि किसी को भुगतान नहीं किया जाता। हमने भी उस समय 2015 में शासन के निर्देशानुसार लखना दोन आदिम जाति सहकारी समिति के माध्यम से प्रीमियम की राशि जमा की थी, जिसमें अशोक गोल्हानी, नंदीलाल गोल्हानी, सरोज गोल्हानी के द्वारा नगद प्रीमियम जमा किया गया था। प्राकृतिक आपदा आने के बाद हमने लगातार कई बार शिकायत की, 64 गांवों में आपदा आई थी, 15 के बाद 16 में मार्च माह में ओलावृष्टि हुई थी बहुत जोरदार, उसमें 64 गांव प्रभावित हुए थे, सिहोरा को भी उन्होंने प्रभावितों की लिस्ट में माना था। उसके बाद हमने लगातार शासन को लिखा, बीमा कंपनियों को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा और समय समय पे हम डीडीए ऑफिस सीनी को भी लिखते रहते हैं, परंतु हम व्यक्ति के संपर्क भी किए, परंतु आज तक न वहाँ से कोई हमारे पत्रों का जवाब आता है और न उसके संबंध में कोई बात होती है। अभी शासन ने भी ऋण तक काफी सारी चीजें माफ किया और उसके बदले में शासन ने क्षति के बदले में मुआवजा भी दिया, लेकिन सिर्फ बीमा कंपनी ने पैसे लेके पूरे पैसे लगा दिए और आज तक किसी को भी, और ये सब पूरी योजना चुटिया बनाने की, इसलिए किसानों को कोई लाभ नहीं आ चुकी है, किसानों को कोई लाभ नहीं। तो आई तो क्या चाह रहे हैं आप? बीमा कंपनी को जा रहा शासन से प्रार्थना है कि बीमा कंपनियों से उसका जो भी क्षतिपूर्ति है, जो भुगतान किया जाता है, मुआवजा की कंपनसेशन जो भी बनता है, तो उसको दिलाया जाए किसानों। मैक्सिमम में ग्राम सेवरा में कितने किसान होंगे मैक्सिमम? अब इसका अंदाजा तो हमें नहीं, किसान कितने लोगों ने बीमा करवाया था, जो उसमें भी बीमा उसमें भी बीमा होंगे कम से कम, नहीं तो 80% जो 80% लोगों ने मैंने किसान है सोसाइटी से बीमा प्रीमियम दो तरह से दिया जाता है, एक तो जो किसान लोन लेता है तो उससे बीमा प्रीमियम कट जाता है और जो लोन नहीं लेता है तो उससे नकद भुगतान करके जमा करवाया जाता है। तो हम जो लिस्ट बताए हैं वो नकद भुगतान वालों की है, अब लोन वालों की लिस्ट जो है वो आदम जाति। शफीक खान की रिपोर्ट।